दोस्तों इस साल प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप अभी जिस कंपनी में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट जॉब कर रहे हो, वहां इस साल आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लगेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप यही कहोगे कि मेरे को नहीं पता, वो तो बॉस की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कितना इंक्रीमेंट लगाए, राइट? लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपनीज भी अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए, जाहिर सी बात है अगर उनकी सिमिलर कंपनी उनके कर्मचारियों की सैलरी तनख्वाह बढ़ाएगी तो आपकी कंपनी भी आपकी सैलरी तनख्वाह बढ़ाएगी। ऐसे में आइए देखते हैं कि ताजा रिपोर्ट्स और सर्वे का क्या कहना है कि इस साल भारत में कौन कौन से सेक्टर की कंपनीज अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह में यानी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट यानी कितनी बढ़ोतरी करेगी। और ये सैलरी सर्वे तो अपन जानेंगे, इससे पहले देखिए आज ही देश के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा कि देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय $18,000 तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। $18,000 को रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन होते हैं ये 14,90,000 रुपए, यानी एक साल का एक शख्स प्रति व्यक्ति कम से कम इतना तो कमाना ही चाहिए। सरकार अब इस पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत को उच्च आय वर्ग में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि हमारा देश भी दुनिया के विकसित देशों की गिनती में शामिल हो सके। ठीक है, ये तो सरकार का प्लान है लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित। आइए अब देखते हैं कि 2024 में कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितना इंक्रीमेंट लगेगा। तो ऑन एवरेज देखा जाए तो पूरे प्राइवेट सेक्टर में लगभग 10% तक की बढ़ोतरी करने को तैयार है कंपनियां। नई ताजा रिपोर्ट में यह बात का खुलासा हुआ, लेकिन इसमें भी इन 10% ऑल ओवर में से कुछ ऐसे क्षेत्रों की कंपनियां हैं जो ज्यादा इंक्रीमेंट लगाएगी। अब वो सेक्टर कौन कौन से हैं प्राइवेट जॉब के जिन कर्मचारियों के लिए तनख्वाह और ज्यादा बढ़ने वाली है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ताजा रिपोर्ट जारी की गई है ये एडवाइजरी कंपनी EY की एक रिपोर्ट में बताया गया ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पिछले साल के मुकाबले नौकरी छोड़ने की दर भी घटी है। अच्छा, इससे पहले एक सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बताया गया था कि भारत में इस साल प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तनख्वाह में 9.5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ये सर्वेक्षण तकरीबन 45 उद्योगों के अलग अलग सेक्टर की 1414 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए किया गया। और अभी जो ये ताजा रिपोर्ट आई EY एडवाइजरी कंपनी की, ये भी रिपोर्ट तकरीबन 80 कंपनियों से जुटाए गए डेटा पर आधारित है। इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या औसतन 5,000 से 10,000 के बीच है, यानी हजारों कर्मचारियों के ऊपर की गई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 2024 में औसतन कंपनियां 9.5% से 10% तक की बढ़ोतरी करेगी, जो कि पिछले साल 2023 के ऑलमोस्ट इक्वल है या कुछ ज्यादा ही है, लेकिन कम नहीं है। और सबसे अच्छी इंक्रीमेंट किस किस सेक्टर में लगेगा, तो वो है दोस्तों सर्विस सेक्टर में अच्छी वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद है। सर्विस सेक्टर का मतलब आप समझ गए, सर्विस प्रोवाइड करने वाले बिजनेसेस जैसे कि होटल इंडस्ट्री हो गया या और भी कई सारी IT टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां जो सर्विस सेक्टर का काम करती हैं, उनकी तनख्वाह में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अभी आज सुबह ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी भारत के स्टार्टअप्स पर भी, जिसमें यह बताया गया कि पीएम मोदी के स्मार्ट विजन का नतीजा देखने को मिला। दुनिया भर में तीसरे नंबर पर भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आ चुका है। आंकड़ों की माने तो इन सालों में देश में स्टार्टअप की संख्या 300 से बढ़कर 1,00,000 से भी ज्यादा हो गई है। और एक अच्छी बात तो यह है कि इन स्टार्टअप को शुरू करने वालों में महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा है, और इससे भी आए दिन लोगों को नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है प्राइवेट सेक्टर और जॉब नौकरियों से संबंधित ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।